दोस्तों, ये कहानी तो ऐसे दोस्तों की है जो एक पार्टी में एक आंटी को पटा लेते हैं और बीच पर होटल पर ले जाके वही करते हैं जो ये चाहते थे, यानी भटाभट करते ही रहते हैं। तो चलिए देखते हैं इन दोनों दोस्तों के कार्यक्रम को। अगर आपको पहले वाले एक्सप्लेन की तरह विद शायरी के साथ वीडियो देखनी है, वो भी खुल्लम खुल्ला, तो हमारे टेलीग्राम के चैनल पर ज्वाइन हो जाओ। ना मजा आया तो बात रही, और हाँ भाई, सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को, क्यों ढीलापन दिखा रहे हो। कहानी की शुरुआत इन्हीं दो दोस्तों के साथ होती है, जो कि नंबर वन ठरकी, नशेड़ी बाज, लौंडियाबाज और सुट्टा सुट्टी सब करते हैं। और इन दोनों का बस एक ही ख्वाब होता है, वो है भटाभट। चाहे काली हो, गोरी हो, हरी हो, गुलाबी हो, पीली हो, नीली हो, बस अपना काम बनता मुठ मारे जनता। लेकिन अब इनका मुंह गोबर जैसा बन जाता है, क्योंकि आज ही इन दोनों की बंदी इटली घूमने जा रही थी, जिसके कारण ये दोनों बोर होने लगते हैं। एक का नाम बग्गन और दूसरे का नाम छग्गन होता है। अगले दिन बग्गन के बापू बग्गन को एक पार्टी में ले जाते हैं, जहां पर काफी बड़े बड़े लोग आए थे। बग्गन अपने दोस्त छग्गन को भी अपने साथ इस पार्टी में लाया था, ताकि वो पार्टी में अकेला बोर ना हो जाए। लेकिन इसके बाद भी ये दोनों पार्टी में बोर होने लगते हैं। तभी इन दोनों को पार्टी में एक आंटी दिखाई देती है, और इसके बाद तो इनके पैर रुकते ही नहीं है, ये सीधे आंटी के पास पहुंच जाते हैं और ये दोनों आंटी को पटाने में लग जाते हैं, जिसका नाम लीजा था। तभी छग्गन बोलता है, आंटी आंटी पोदीना, पाद मार दो रोजीना, तिलक लगा दू मट्टी का, पाद मार दो टट्टी का। तो इस पर लीजा बोलती है, एक रैप्टे में घूमता फिरेगा चोर सी शक्ल के। दरअसल लीजा बग्गन के कजन की वाइफ थी, और ये इसे तब मिला था जब वो बहुत छोटा था, इसीलिए वो लीजा को पहचान नहीं पाता। तभी वहां पर अचानक से लीजा का पति जानू आ जाता है, जो उन दोनों को पहली फुर्सत में भगा देता है। लीजा और जानू यहां पर जल्दी शिफ्ट हुए थे, क्योंकि जानू की यहां पर जॉब लगने वाली थी। फिर जानू वहां से चला जाता है। उसके जाते ही बग्गन और छग्गन फिर से लीजा के पास आ जाते हैं। अब लीजा को भी उन दोनों से बात करने में मजा आ रहा था, और वो कहती है कि मुझे बाहर घूमना बहुत पसंद है। तो इस पर बग्गन छग्गन बोलते हैं, यहां पर एक बीच है जिसके बारे में हमारे अलावा यहाँ पर कोई नहीं जानता। बग्गन कहता है, क्या तुम हमारे साथ वहां पर चलोगी? तो लीजा उसे साफ मना कर देती है और कहती है, मैं अपने जानू के साथ चले जाऊंगी। अगले सीन में हम लीजा को एक डॉक्टर के पास देखते हैं, जहां पर हमें पता लगता है कि उसे कैंसर है और वो जल्दी ही मरने वाली है। ये सब सुनने के बाद लीजा के पैरों से जमीन गायब हो जाती है, और ये बात वो जानू को नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि अभी हाल ही में उसकी जॉब लगने वाली थी। इसके बाद लीजा के पास जानू का कॉल आता है, और वो उससे माफी मांगता है। वो उसे बताता है कि मैंने नशे की हालत में एक लड़की का स्वाद चख लिया है, और ये मुझसे जाने अनजाने में हुआ, इसीलिए मैंने तुमको बता दिया ताकि हमारा रिश्ता ना टूटे। इस बात से लीजा को बहुत बुरा लगता है, और वो डिसाइड करती है कि वो अपने कुछ पलों को बहुत ही मजे में बिताएगी। तभी वो बग्गन को कॉल करती है, वो उससे कहती है, मुझे भी तुम्हारे साथ उसी बीच पर जाना है। यहाँ से हमें पता लगता है कि लीजा कुछ चाहती है, और ये सुनने के बाद बग्गन के तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे उस बीच के बारे में कुछ नहीं पता था, वो तो बस लीजा से मजे ले रहे थे। दरअसल बग्गन को उस बीच के बारे में उसके एक नशेड़ी दोस्त ने बताया था, और अब बग्गन को लीजा के साथ किसी भी हाल में उस बीच पर जाना था, इसीलिए वो छग्गन के पास जाकर उसे सारी बात बताता है, और वो दोनों अपने उसी नशेड़ी दोस्त के पास पहुंच जाते हैं, जहां वो अभी भी नशे में ही था, और वो मैप में ऐसे ही उल्टी सीधी जगह पर हाथ रख देता है और कहता है, यही है वो बीच, और ये दोनों लल्लू भी उसकी बात मान लेते हैं। अगले दिन वो दोनों लीजा को अपने साथ लेके वहां पर निकल जाते हैं, और रास्ते में ये तीनों काफी बातें करते हैं और मजे करते हैं। वहीं लीजा उन दोनों को बताती है कि मैंने अपने एक्स बीएफ के साथ बहुत मजे किए हैं, लेकिन एक एक्सीडेंट में वो टैं बोल गया, जिसके बाद मैं पूरी तरह टूट चुकी थी, क्योंकि मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं था। वो हमें पता है, तू क्या बात कर रही है। ऐसे ही बात करते करते रात हो जाती है, और ये तीनों एक होटल में रुकते हैं, जहाँ ये दोनों लीजा को एक अलग रूम दिलवाते हैं, और खुद दोनों एक ही रूम में होते हैं, जहाँ इनका पप्पू बावला हो जाता है, इसीलिए वो दोनों जाके लीजा के कमरे में झांकने लगते हैं। लेकिन रूम के अंदर लीजा इन्हें रोती हुई नजर आती है, और ये चले जाते हैं। अगले दिन ये तीनों फिर से बीच के लिए निकल जाते हैं, और फिर से कार में बातें करने लगते हैं, जहां बग्गन और छग्गन लीजा को बताते हैं कि हम दोनों ने मिलकर बहुत सारी लड़कियों के साथ वो किया है जो तुम हमसे चाहती हो, हमें पता है तुम क्या चाहती हो। इसके बाद फिर वो तीनों एक होटल में जाते हैं, जहां बग्गन और छग्गन नहाने लगते हैं, और लीजा बेड पर बैठकर रोने लगती है। तभी बग्गन बाहर आकर लीजा से शैम्पू मांगने लगता है, लेकिन शैम्पू में कुछ और ही हो जाता है, यानी भटाभट, और ये सब दूर खड़ा छग्गन देख लेता है, और उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि बग्गन ने अकेले ही मजे ले लिए। अगले सीन में हम तीनों को लंच करते हुए देखते हैं, जहां छग्गन बग्गन से बहुत नाराज होता है। उसी रात गुस्से में छग्गन बग्गन से बोलता है, मैंने तेरी जीएफ के साथ वो किया है जो तूने लीजा के साथ किया है, और ये सुनकर बग्गन छग्गन को बहुत मारता है। और फिर ये दोनों साथ में बैठे होते हैं, और दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, और ये देखकर लीजा को भी काफी बुरा लग रहा था। तो आंटी जी छग्गन को भी पानी पिला दो, खुश हो जाएगा। अगले ही दिन ये तीनों कार में जा रहे होते हैं, तो इस बार लीजा बग्गन को कार से बाहर निकाल देती है, और
और छगन के साथ वही करती है जो उसने बग्गन के साथ किया था, यानी भटाभट 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 भटाभट। इसके बाद हम देखते हैं कि बग्गन अभी भी छगन की बातों से परेशान था, इसीलिए वो कार से बाहर निकलकर छगन से बोलता है, मैंने भी तेरी जीप के साथ वही किया था जो तूने मेरी जीप के साथ किया था। और इसी बात पर उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। ये देखने के बाद लीजा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में उन दोनों को छोड़कर चली जाती है। अब ये दोनों मिलकर अपना मूड सही कर लेते हैं और लीजा के पास जाकर उससे माफी मांगकर उसे मनाकर अपने कार में बैठा लेते हैं और फिर ये तीनों बीच को ढूंढने निकल जाते हैं। रात में अचानक इनकी गाड़ी एक गड्ढे में फंस जाती है। अब कार ना निकलने के कारण उन्हें पूरी रात वहीं गुजारनी पड़ती है। अगली सुबह ये देखते हैं कि इनकी गाड़ी खराब हो चुकी है, लेकिन कार उसी बीच पर खराब हुई थी जहाँ ये जाना चाहते थे, जिसे देखकर ये बहुत खुश होते हैं और वहाँ जाकर ये लोग बहुत मजे करते हैं और वहाँ पर एक कैंप लगाते हैं और घूमते फिरते हैं। जब ये वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि कुछ जंगली सुअरों ने इनके कैंप को तोड़ दिया है, इसीलिए वो तीनों फिर से एक होटल में रुकते हैं। वहीं पर लीजा अपने पति को कॉल करती है, वो कहती है कि ये मेरा लास्ट कॉल है और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। और ये सब लीजा ने जानबूझकर बोला था क्योंकि वो कैंसर की वजह से टें बोलने वाली थी। अगले सीन में हम इन तीनों को एक साथ मजे करते हुए देखते हैं, जहाँ छगन नशे की हालत में बग्गन से कहता है कि मैंने तुम्हारी माँ के साथ भी वही सब किया है, लेकिन इस टाइम नशे में किसी को किसी की बात का बुरा नहीं लग रहा था। और ये तीनों मिलकर आपस में ही भटाभट 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 करते हैं। अगले दिन बग्गन और छगन को अपनी हरकतों पर बहुत शर्मिंदगी होती है क्योंकि उन्हें याद आ जाता है कि इन्होंने कल रात क्या किया था। और इसके बाद छगन और बग्गन अब घर जाने लगते हैं, लेकिन लीजा वहां से नहीं जाती और वहीं पर रुक जाती है। इसके बाद कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन छगन और बग्गन अचानक से एक कॉफी शॉप पर मिल जाते हैं, जहाँ छगन बग्गन को बताता है कि उस ट्रिप के अगले ही महीने लीजा की वहां पर डेथ हो गई थी और लीजा को कैंसर भी था, जिसके बारे में उसने हमें कभी नहीं बताया। और इतनी प्रॉब्लम में होने के बावजूद भी उसने हमें कभी कुछ नहीं बताया और हमेशा खुश रही। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कर सकते हो, वहां पर मैं इससे भी फाड़-फाड़ मूवीज लाने वाला हूं, वो भी खुल्लम खुल्ला फुल शायरी के साथ, पहले की तरह जो आप देखते थे आपको बहुत पसंद था शायरी के साथ, और खुल्लम खुल्ला सीन मिलेगा आपको, कोई छुपाए नहीं जाएगा। तो अभी हमें टेलीग्राम पर फॉलो और ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक तो तुम करोगे नहीं, कर दो यार। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।